सो हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमें दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सिचुएशन ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी सिचुएशन को देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास पहली सिचुएशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल। तो देखिए ध्यान से, इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि आप जैसे टैक्सी में बोर्ड करते हो, तो सपोज करो आपके 2 किलोमीटर हुए, आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो वो ₹15 लेगा, लेकिन अगला जो 1 किलोमीटर है उसके लिए वो कितना रुपीज़ लेगा, ₹8। इसी तरीके से अगर आपने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपये, ₹15, देन सेकेंड किलोमीटर के लिए 8, थर्ड किलोमीटर के लिए 8। आया समझ में यहाँ पे आपको? तो ये इस तरीके का केस है। तो ध्यान से सुनना, 15 क्या है आपका पहले किलोमीटर के लिए, 8 क्या है रेस्ट जितने भी किलोमीटर होंगे। तो अगर आप बताओ 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, इफ़ यू ट्रैवल ओनली 1 किलोमीटर, तो चार्जेस आपके कितने होंगे, ओनली ₹15। अगर आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो टोटल चार्जेस क्या होंगे बताइए, ये हो जाएगा 15 + 8 विच इज़ इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा देखिए, 15 + 8 = 23। चलिए अगर आपने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो चार्ज क्या हो जाएगा, 15 + 16 बिकॉज 8 × 2 हो जाएगा 2 किलोमीटर का, तो देखिए कितना हो गया टोटल चार्जेस, 31। चलिए 4 किलोमीटर का और देख लेते हैं, 4 किलोमीटर के लिए 15 + 16 × 3 विच इज़ 48 होगा। चलिए सॉरी यहाँ पे 48 नहीं, 8 × 3 हो गया ना, 8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो 3 किलोमीटर के लिए ये हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करते हैं, 549 एंड दिस इज़ 2113। अब आप देखिए हमारे पास नंबर क्या आ रहे हैं, 15, 23, 31 एंड दिस वी हैव 39। डिफरेंस देखिए 15 और 23 में 8 का, 23 एंड 31 में 8 का, 31 एंड 39 में 8 का। सो डिफरेंस जो है कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, देन वी कैन से दिस इज़ फॉर्मिंग एन AP। ये क्या फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं आप। तो नेक्स्ट वाले में देखिए सेकेंड वाला केस, इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम, ध्यान से देखना, प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, अमाउंट प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, इस वर्ड पे फोकस कर रहा, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें एयर प्रेजेंट है, तो एयर मैं कितना ले लेता हूँ, चलिए मान लीजिए 100 लीटर ऑफ एयर प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, 100 लीटर ऑफ एयर उसमें प्रेजेंट है, या 100 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट लेना चाहे आप, ठीक है। चलिए इतना वॉल्यूम वहाँ पे एयर प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए, एक बार आपने पंप किया तो इसका 1/4 एयर निकल गया यहाँ से, 1/4 एयर निकला मतलब इसमें से 25 निकल गया, 1/4 25 होगा, तो देखिए बचा कितना, फिर बचा आपका 75 लीटर। ये समझ में आया, मुझे AP किसका फॉर्म करना है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, जो बचेगा, ठीक है, जो आप पंप करने के बाद बचेगा ना उसका फॉर्म करना है। तो आपने जब पहली बार पंप किया तो 100 से वो कितना हो गया, 75, बिकॉज 1/4 तो निकल गया। अब जब दूसरी बार आप पंप करेंगे तो 75 का 1/4 तो निकलेगा, तो देखिए 75 का 1/4 क्या होगा, ये हो जाएगा 75/4, और आप अगर उसे 75 में से माइनस करवाओगे, ठीक है, 75 में से इतना हटा दो, इतना एयर जो पंप करके बाहर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 75 × 4 - 75, तो ये हो जाएगा 3 × 75/4, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, तो ये हो गया 3 × 75/4। अब देखिए आपको पता ही ये वैल्यू जो है, जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे आएगी, ये इंटीग्रल वैल्यू तो होगी नहीं, आ रहा समझ में, ये वैल्यू इंटीग्रल होगी नहीं, और इसकी नेक्स्ट वाली भी इंटीग्रल नहीं होगी, जो भी आए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रल होगी नहीं, तो इसके बीच का डिफरेंस मुझे बताइए कितना है, इसके बीच का डिफरेंस है 25। लेकिन क्या इसके बीच का भी डिफरेंस 25 आने वाला है, कोई पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके बीच का डिफरेंस 25 आए, बिकॉज ये इंटीग्रल वैल्यू लेगा ही नहीं, आप माइनस भी करवाओगे तो 25 का डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये AP फॉर्म कर रहा है क्या, नो दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन AP, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसका हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते क्या दिया हुआ, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है,
when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. मतलब देखिए, अगर आपने वेल, जो आप वेल डिक कर रहे हो, अगर जो लेबर से जो भी डिक कर रहे हैं, तो अगर वो 1 meter तक डिक करते हैं उसे, ठीक है, सिर्फ 1 meter, तो वो आपसे कितना चार्ज करते हैं? 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, मतलब 150 रुपीज चार्ज करेंगे 1 meter के लिए. अब अगर आपने 2 meter डिक करवाया है, ठीक है, वेल कितने मीटर का है? 2 meter का है, तो पहले मीटर के लिए 150 लेंगे, प्लस नेक्स्ट मीटर के लिए कितना लेंगे? 50. इट मीन्स 150 प्लस 50 विच इज 200. अगर वेल 3 meter डिग होता, तो बताइए वेल 3 meter का होता, तो 150 फॉर द फर्स्ट मीटर प्लस 2 × 50 हो जाता, मतलब 100 फॉर द नेक्स्ट 2 meters, तो ये कितना आ जाता? 250. अब नेक्स्ट केस देखते हैं. अगर वेल की डेप्थ 4 meter हो, तो क्या केस हो जाएगा? 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड आगे के जो 3 meter है उसके लिए कितना होगा? 150 रुपीज अगेन. सो ये हो जाता आपका 300. तो देखिए हमारे पास नंबर्स क्या क्या आ रहा है, 150, देन वी हैव 200, 250, एंड देन वी हैव 300 एंड सो ऑन. इसी तरीके से चलता जाएगा, 350, 400 एंड सो ऑन. तो देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 50, अगेन 50 का डिफरेंस, एंड देन अगेन वी हैव द डिफरेंस ऑफ 50. तो इस केस में अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये आपका एपी फॉर्म करेगा क्या? यस, इट विल फॉर्म एंड एपी. ठीक है, तो आपका ये क्या फॉर्म करेगा? एपी फॉर्म करेगा. अब फोर्थ वाला केस देख लेते हैं. तो चलिए अब हमारे पास है केस फोर्थ. इसमें क्या दिया हुआ, द अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक एवरी ईयर. ठीक है, बैंक में आपका जो अमाउंट होगा हर साल, व्हेन 10,000, ठीक है, 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो आपके पास बैंक में कितना पैसा है? 10,000, और वो 8% उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है. कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कि उस पर इंटरेस्ट लगा, तो फिर अगले साल, ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट लगा, तो वो पैसा जो इंटरेस्ट आपको मिला वो उसमें ऐड हो जाएगा, और अगले साल अगेन जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो आपके इस टोटल अमाउंट पे लगेगा. एग्जांपल में, अच्छा एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी डेटा दिए हुए हैं. तो चलिए हमारे पास पहले साल कितना पैसा है? 10,000. चलिए अब नेक्स्ट ईयर तक उस पर 8% इंटरेस्ट लग के, 8% इंटरेस्ट इसका कितना होगा बताइए? देखिए 100 रुपीज़ का 8% कितना होता है? 8 रुपीज़. तो इसे आप 100 से डिवाइड करो, ठीक है, इसे किससे डिवाइड करो? 100 से. तो ये आ गया 100, मतलब इसका 1% कितना हो गया? 100. तो 8% कितना हो जाएगा? 800. तो इसमें आप 800 और ऐड कर दो, सो 10,800. मतलब नेक्स्ट ईयर तक ना मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा. यह आया समझ में? नेक्स्ट ईयर तक 10,800 पैसा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट लग के. अब इसके बाद वापस से इस अमाउंट पे क्या लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट. और कितना परसेंट का? 8% का. तो देखिए इसका 8% क्या हो जाएगा? 1% तो होगा 108. ये देखिए 1% निकालना आता है आपको, 1% किसी का भी निकालना हो आप उसे 100 से डिवाइड कर दो, तो 1% तो आ गया 108. अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 64, और 8 × 1 = 8, तो 864 आ गया. अब आप इसमें ऐड कर दो 864, किसमें? 10,000 में, 10,800 में 864 ऐड कर दो, तो 4 आ गया, 6 आ गया, 8 + 8 = 16, देन 1 6, यहाँ पे 1 आ गया, ओके, ये नंबर आ गया 11664. तो मेरे पास फर्स्ट ईयर में 10,000 था, उस पर 8% का इंटरेस्ट लगा, तो वो 10,800 हो गया. उसके बाद इस पे, इस अमाउंट पे 8% का इंटरेस्ट लगा, तो वो 11664 हो गया एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे देखूँगा कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है. तो ये तो 800 का है, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? ये मेरा 864 का है. और आप अगर आगे भी करोगे तो ये डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा, है ना, ये ऑलमोस्ट 900 के ऊपर आ जाएगा, 900 के आसपास आएगा या फिर. तो 800 तो डिफरेंस हुआ नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये एपी नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम नहीं आ रहा. सो वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट फॉर्मिंग एन एपी. ये अच्छे से आया आपको समझ में? सो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 5.1.